रेट तो गुन ध्यान मेरा, फिर मैंने डीजल का खाली ड्राम खरीदा था और डीजल का भरवा लिया था 700 रुपया में, ड्राम भी भरवा भी दिया था 700 रुपया में। 700 रुपया में ड्राम भी ले लिया और डीजल का भरवा लिया, फोड़ लिया था मैंने 2.25 लाख का, 2.25 लाख का फोड़ लिया था। फिर 6 साल चला के चारों टायर नए थे लिया उस टाइम, फिर चारों टायर घसा के 2.25 लाख का बेचा, 50,000 मुनाफा में बेचा। इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो राजा सा कह ले सर, झोटा ट्रैक्टर ये तो। ये रेट था नहीं किल्ला का, एकड़ का मैंने ले तो उसमें बचार दे 40-45 रुपये, 40 तो आराम से बचार दे, 40 तो बचे असल ज्यादा बचार दे नहीं, 40 तो बचे थे आज कोनी बस दे। तो राम राम सारे किसान भाई है ना, तो किसान भाई अपने ट्रैक्टर की वीडियो बहुत देखी है, सुपर सीटर की बहुत वीडियो देखी है, लेकिन आज आप एक ड्राइवर अपने पाए ताऊ जी जो 855 ट्रैक्टर के साथ मिले अपने फील्ड मार्शल कंपनी में आए थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ अपने ताऊ जी मिले हैं जिनकी उम्र उसकी 75 से 75 साल के पास इनकी उम्र हो गई है और इन्होंने बहुत सालों को ट्रैक्टर चला देना है। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ही ज़्यादा ज्ञान आता है कि कैसा ट्रैक्टर, कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया चलाया है, उन्होंने कहाँ कौन से ट्रैक्टर से शुरुआत की थी और कौन से ट्रैक्टर पर आज पहुँच गए हैं और कैसे कैसे पहले खेती करते थे अब कैसे कैसे करने लग गए। जैसे यंत्र में अपने पता परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे यंत्र जो नए नए लॉन्च हो रहे हैं, कंपनी जो अपने नए नए यंत्र बना रही है, जैसे अब देखो सुपर सीडर आ गई जो एक साथ जो सारे यंत्रों का काम अकेली कर रही है, रिपर आ गए और बेलर आ गए, तो बहुत सारी तकनीक देखो आपको पता है बहुत सारी जो पहले से बहुत ज़्यादा नई नई तकनीक आ रही है। तो ताऊ जी अपना पूछा है पहले क्या कौन से ट्रैक्टर से शुरुआत की थी और अब कौन सा ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। तो नमस्कार ताऊ जी, अपने किसान भाई जो अपने देख रहे हैं, राम राम भाई साहब। तो ताऊ जी आप कितने सालों का ट्रैक्टर चला देना है? सन 92 में चलाने लगे थे। सन 92 में शुरू में कौन सा ट्रैक्टर लेकर आए थे? शुरू में एक सिलेंडर आइसर, एक सिलेंडर आइसर से शुरुआत की थी। और आज आप स्वराज 855 ले रहे हो? आज स्वराज 855 ले रहे हैं। और बीच में कितने ट्रैक्टर बल्ट लिया अपना? बीच में फेर लिया था 265 महिंद्रा। महिंद्रा और कौन किस सन में लिया था? वो शायद 2-2 में लिया होगा। 2-2 में बेचा कब था वो? फिर 5-6 साल चला के बेचा। 6 साल चला के। तो पहले मैंने सुनी है जो ले करते नया ट्रैक्टर कम रेट में लिया करते थे, बेचना ज्यादा रेट बिक चेक करता है, अभी बात हुई आपके आपके साथ कभी? फोड़ लिया था मैंने 2.25 लाख का। 2.25 लाख का फोड़ लिया था। फिर 6 साल चला के चारों टायर नए थे लिया उस टाइम, फिर चारों टायर घसा के 2.25 लाख का बेचा, 50,000 मुनाफा में बेचा मैंने। देखो 4-5 साल ट्रैक्टर, छह सात साल ट्रैक्टर बाया, टायर उसके खत्म कर दिए थे और फिर भी 50,000 रुपए मुनाफा दे के गया ट्रैक्टर। बहुत होने निपजी उसकी कमाई में, बहुत पैदा हुई। अच्छा, और उस टाइम पे आपने शुरुआत की थी ट्रैक्टर चलाने की, उस टाइम पर डीजल के क्या रेट होते थे? रेट तो गुन ध्यान मेरा, फिर मैंने डीजल का खाली ड्राम खरीदा था और डीजल का भरवा लिया था 700 रुपया में, ड्राम भी भरवा भी दिया था 700 रुपया में। 700 रुपया में ड्राम भी ले लिया और डीजल का भरवा लिया। देखो इतना जो सस्ता डीजल होता था उस टाइम पर, 700 रुपया में डीजल दिया नहीं लाना, 200 ड्राम 700 रुपये का आएगा था, 220 लीटर ड्राम होता है। और उस टाइम पर अपना जो मशीनरी चलाई जैसे सुहागा फाले रोकुर जो चल रही है, ये सुपर सीडर चल रही है, रिपर चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताओ पहले कैसे मशीनरी होती थी? इस तरह जी हुआ मन्ना नहीं चलाई मैं। अच्छा, मन्ना तो बिजाई की मशीन चलाई है, हैरो कल्टीवेटर गोड़ी ये इस तरह की चीज चलाई है, थ्रेसर चलाए हैं। किसका रहा है? कोई नहीं, काट दे दोबारा वीडियो चालू कर। तो ताऊ जी उस टाइम पर अरो की क्या क्या दवाई बाहर थे जो करीब 2-2, 10-10 की 16-16 अरो चल रही है उस टाइम पर, अरो कितने दवाई हुई करती? मैं आई सरगल ले आया था 12 की 12 तो है यार। अच्छा 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 क्या होगी, अच्छा अच्छा सेट हो गया। हाँ अच्छा अच्छा की, अच्छा 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 अरो तो लाया करते तो आना था, मुख्तार सिंह की अरो ले आया था जो कर गया मशहूर अपने फील्ड मार्शल जिस तरह। हाँ अरो मशहूर थी उसकी। अच्छा आपने फील्ड मार्शल कैसी लगी, फील्ड मार्शल के बारे में थोड़ा बताओ थोड़ा। फील्ड मार्शल तो ही पावा है। अच्छा पहले नहीं पाई है ना अपने काम में, तो सारे उसकी कहा था बढ़िया मशीन है। अच्छा बढ़िया मशीन बताइए। और ई बाप 855 ले रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहो? इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो राजा सा कह ले सर, झोटा ट्रैक्टर ये तो, झोटा ट्रैक्टर है। हाँ ई बाप कितने दिन चला देने थी? इसने 17 मॉडल उस तरह तो बार में आया था, 18 में 2018 में आया था, 17 में गया था बर्मा में। अच्छा अब नया लिया थे? हाँ नया, सारे नए लिया। और ईव तक आपने ट्रैक्टर चला लिए, 20 ट्रैक्टर चला लिए?
हां बीच ने तो 5-7 गिनाए 10-8 दिए सब चलाए। अच्छा आपने सब तो बड़े ट्रैक्टर कौन सा लग गया? मैंने तो सारे बढ़िया चले ट्रैक्टर मेरे। सारे बढ़िया चले हैं? बहुत बढ़िया चले सारे। अच्छा मतलब उस ट्रैक्टर में नहीं कमी आई क्या? अच्छा ये बाप आप चलाओगे अपना पोता वास्ता भी चलाओ ट्रैक्टर? नहीं तो छोरा चलाओ है मान ले पोता तो न तो चला ले है भाई भूई कौन करता छोरा तो बाहर पीछे जाना होता था। अच्छा ये बड़ा पोता और छोरा आए थे उनका कोई काम हो गया मैं तो बाद में आया था। अच्छा तो बाद में आए? हाँ वह आए थे लेकिन। अच्छा तो आपने उस टाइम पर जिस टाइम पर आप ट्रैक्टर चला करते बात करा 2000 की तो उस टाइम पर भाई भूई का गिरे उठा करता था जी यदि आप किराया भाई करते मन शुरू में आई चल गया 60 रुपया चल गया था। अच्छा 60 रुपया शुरुआत करी? हाँ 700 आप 700 पैके देख लो भी आप 10 गुना तक ज्यादा बद रहा है इसके। हाँ उधर लोअर थी के 10-20-50-100 रुपये आज हजारों पर गई। तेल का भी बहुत ज्यादा तेल का तेल तेल का ट्रांप पर 18000 रुपया आप बहुत 700 में खरीद के ना भरवा लिया था तो आप कितना फर्क हुआ? बहुत ज्यादा महंगाई भी चल रही है इस करके रेट बढ़ रहे हैं। घने महंगाई उज्जत 60 रुपये रेट था नहीं किलो का एकड़ का मान ले तो उसमें बचाते 40-45 रुपये 40 तो आराम से बचाते असल ज्यादा बचाते नहीं 40 तो बचे थे आज को नहीं बचते। तो उस टाइम पे देखो आप जैसे सुपर हीटर है रोटावेटर है ये साधन नहीं थे तो इनकी कमी कुछ नहीं है नहीं थे कमी अब आपको देखो ये आ रहे हैं संसाधन जो सारे जो नए नए तकनीक लगे ये कैसा लग रहा है आपको जो नए नए साधन आ रहे हैं? ये तो साधन ईशा है जो हमें कई बेरा 10 बरमाना पड़ जाता फिर भी पिजाई नहीं हो आती कलेट लग जाए यू तो बाड़ी में जाके जोड़ा सीधी बिजाई करते हैं इतना अंतर हो गया कितनी बड़ी बाड़ी हो जाए यानी पहले से तो कुछ तो खिंचना तो कम हुई है बहुत कम होगी बहुत आराम हो गया बहुत कम होगी पहले तो दिन रात खर्चा भी कम हो गया 1 किलो में लग रहा है एक एक दिन हाँ तो उसमें कई बार 10 बार भाव तो लग जा रहा खर्चा बहुत बच जाता। और यही बात देखो आपने पहला ट्रैक्टर चलाया एक दिन में 1-1 किलो लग रहे हैं तो ये भी नए ट्रैक्टर है एक दिन में के साथ 20-30 किलो तैयार कर लिया 20 किलो तो आराम से काट देंगे चाप हो तो 30 भी काट दें अभी 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 भी पहले हो? हाँ पहले हूँ मैं भाई हूँ शौक में मेरा टाइम पास हो जाए जहाँ तक करूँ भाई तो छोट कर लें बालक चला फिर माँ भाई मेरा टाइम पास हो जाए 2-4 किलो तो मैं भाई दूँ। एक बात और सुनिए आपने सुनी होगी कहते हैं कि सोरा 855 ट्रैक्टर है जो सीट का जो ड्राइवर की जो हड्डी हड्डी में दर्द कर दिया तो आपने कहा ऐसा लगे इस ट्रैक्टर में दर्द हो तो भी ज्यादा रहा इस पर चलने है। अच्छा वो तो अंदर रहा है कम वैसे सुनी है कि झटके ज्यादा ना ना झटके तो मरी चीज मर रहा है झटके तो उछला ज्यादा है उछला क्या था ज्यादा। अच्छा ये तो दूसरा में बैठ जो 18000 लेके बाव में तो पहला लाके को देख लो ट्रैक्टर लाके तेल यू तो कितना पहले नहीं तो 3 तक कम कम में एकड़ काट देगा। और आपने किर्लोस्कर इंजन का चलाया था सुना था आपने बताओ तो थोड़ी देर पहले किर्लोस्कर इंजन में जो आते 2010 मॉडल में वो 3 लीटर ले जिंदा वो भी 3 लीटर ले जिंदा हाँ क्यों थोड़ा वो जोर रिश्ता ज्यादा थी उसमें। अच्छा रेट में किसा लाइक करा अपना रेट में इन तो सबसे जिस तरह यू के ना इसका और यू अच्छा जोन डियर तो इन ट्रैक्टरों का कैसा और फर्म ट्रैक मैसी कई है मतलब सबसे सस्ता ट्रैक्टर इन स्पोरा में सबसे सस्ता ट्रैक्टर है शोराज का। ये आपने लगा इसका इस जैसा जोर और ट्रैक्टर लगा इसका भाई इसने मेरा जी करे इसने जान दी वैसे इस ट्रैक्टर में जान बंदी हां देखो ताऊ जी कह रहे न्यूलैंड ट्रैक्टर है ट्रैक्टर जान बंदी है तो देखो ताऊ जी के बहुत बड़े विचार ले हैं आज बहुत कम से कम 45-45 साल हो गए ट्रैक्टर चलाते हैं इनकी बहुत सारे ट्रैक्टर बदले हैं बहुत सारे यंत्र भी बदले हैं और आज आ रहे नए सुपर हीटर लेन और बाकी सुपर हीटर के बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे एक। तो ताऊ जी आपने पहले दिन चलाए एक सुपर हीटर? हाँ पहला दिन चलाए पहला दिन ले यार और पहले रोटावेटर चलाते थे? हाँ रोटावेटर खूब रोटावेटर चलाया ताऊ जी ने लेकिन आज सुपर हीटर लेना आए हैं। कौन सा गाँव से ताऊ जी? मिर्जापुर से हिसार से पहला गाँव है। अच्छा हिसार से मिर्जापुर से है ताऊ जी अपना नाम बता दे भाई नाम शंभू राम हाँ शंभू राम नाम है ताऊ जी का मिर्जापुर से है मिर्जापुर गाँव है शंभू राम पूरा गोत है चौधरी शंभू राम। तो देखो ताऊ जी की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में और लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।